आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन एक बार फिर दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। यदि हम बात करें कि किसी भी इंसान की जिंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। किसी को रुतबा चाहिए, किसी को पावर चाहिए और किसी को पैसा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज जॉली अंकल के साथ में हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं इस किताब की सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जॉली अंकल जितेंद्र पाल जी की लिखी हुई 38वीं किताब है। शायद मेरे और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 38 किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जॉली अंकल ने ये 38वीं किताब लिख दी है। और इस किताब का विषय भी बहुत मायनेफुल है, मीनिंगफुल है, सबसे बड़ा रुपया। चलिए बात करते हैं आज इसी किताब के बारे में। जॉली जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। धवन साहब, आप टाइम टू टाइम हमें ये मौका देते हैं कि आपके चैनल पे हम अपनी बात रख सकें, अपनी किताबों के बारे में पाठकों के साथ, आपके दर्शकों के साथ हम अपने विचार शेयर कर सकें, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज जॉली जी, आज हम बात करेंगे स्पेशली आपकी इस किताब के बारे में जी। तो ये जो एक सबसे ज्वलंत मुद्दा रहता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे की ही रहती है जी। आज हम और आप सभी लोग पैसे के लिए, और जबकि जब से कोरोना काल आया है तब से तो इसकी इम्पोर्टेंस हमें और भी ज़्यादा पता लग गई है जी। तो इसके बारे में आप ज़रा कुछ बताएंगे कि पढ़ाई के साथ समझदारी और समझदारी पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ये जो दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जी, इसमें पैसे की जो इम्पोर्टेंस रही है उसके बारे में ही ये किताब है। और इसमें एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस किताब के 17 अध्याय हैं, एक कम अध्याय रह गया है, अगर नहीं तो ये भी गीता की तरह ये एक रोल मॉडल हो सकती थी। तो बताएंगे सर। देखो, पैसे की ज़रूरत तो इंसान को हमेशा से रही है, कोरोना काल में डेफिनेटली इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक बहुत अच्छा रूटीन चल रहा था, अचानक एक दिन टीवी में पीएम साहब ने आके मैसेज दिया, कुछ हमारे आसपास केसेस बढ़ने शुरू हुए, दूसरे देशों से न्यूज़ आ रही थी, तो हमें लग रहा था कि दूर की बात है, हमें कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। आम आदमी की बात तो छोड़ो, बड़ी बड़ी एयरलाइंस, 5-स्टार होटल्स, बहुत बड़े ट्रैवल एजेंट जो करोड़ों रुपए का बिजनेस करते थे, वो एक दिन में ज़ीरो हो गए। जो लाखों करोड़ों रुपए रोज़ का कमाते थे, उनकी ज़िंदगी में ब्रेक लग गया। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है, जब हमारा जन्म होता है तो भी हमें पैसा चाहिए इस दुनिया में आने के लिए, और जब हम इस दुनिया को अलविदा कहते हैं तो जाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि पैसा हम क्या करेंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, वो बातें एक अलग एस्पेक्ट है उसका, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के बिना एक दिन एक मिनट भी गुजारना बड़ा मुश्किल है। लाखों लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत पैसा था, फिर भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, उनको किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो अगर पैसा नहीं होता तो फिर क्या हालत होती, तो आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं जॉली जी, एक चीज़ और निकल कर आई थी इस कोरोना काल के अंदर, तो कई लोगों का तो पैसा भी काम नहीं आया, वो हमारी बदनसीबी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी महामारी फैल जाएगी, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन की कमी, मैंने 68 साल में ज़िंदगी में पहली बार देखी कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। वो बात अलग है कि आज पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, लेकिन सारी दुनिया ने, सारे आपके चैनल ने, सब ने दिखाया कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो हैं उनको, बेचारों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो पैसा तो हर हाल में चाहिए, लेकिन पैसे जो यंग जनरेशन है, क्योंकि मेरा सबसे मिलना जुलना रहता है,
जैसे कुछ पायलट हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से लोग थे, उनके लिए उनका पैसा जो है वो काम कर रहा होता है। तो आम आदमी को भी ये समझने की जरूरत है कि हमें बिस्तर में सिर्फ उस टाइम तक बैठना चाहिए, लेटना चाहिए, जब तक हमें बहुत गहरी नींद आ रही है या बहुत आराम की जरूरत है। अदरवाइज जब तक पैसा हमारे लिए काम करना नहीं शुरू कर देता, हमें बिस्तर में लेटने का हक नहीं है, हमें मेहनत करनी है। जॉनी जी, इस किताब के अंदर कौन सा एक ऐसा चैप्टर या कौन सा ऐसा जिस्ट है, कौन सा निचोड़ है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, बहुत सारे ट्रेड होटल से रिलेटेड है या ट्रेवल से, मैंने जैसे बताया, बहुत सारे कामकाज, व्यापार, कारोबार लोगों के बंद हो गए। आज लोगों के पास पैसा नहीं है कि उसको ऑफिस को चला सके, फैक्ट्रियों को चला सके। तो मैं जो मेन पॉइंट इसमें लिखा है आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, वो मैंने ये कहा है कि अगर आपके पास कोई एक हुनर है किसी तरह का, आपकी लाइन का, जैसे है मैं किताबें लिखता हूं, किसी के पास डांस का टैलेंट है या कंप्यूटर की कोई उनके पास स्पेशलाइजेशन है, वो सिखा सकते हैं। तो अगर सिर्फ हम एक अपने हुनर को, एक टैलेंट को पहचान लेते हैं और उसको प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से दूसरों लोगों को समझाना और सिखाना शुरू कर देते हैं, तो बिना एक पैसा खर्च किए भी हम बहुत सारी कमाई कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज बड़े क्लियरली तौर पर बताया कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, टाइम चेंज होता रहता है, सोच बड़ी रखो, हिम्मत हौसला रखो। ये फेस भी ऑलमोस्ट खत्म है, अब उम्मीद है कि प्रभु कृपा करेंगे कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए। तो सिर्फ अगर आपके पास टैलेंट है, आप उसको भी, उसको मैंने टाइटल दिया बातें बिकनी है, कि आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा के उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो जॉनी जी, कितना वक्त लगा आपको इस किताब को लिखने के लिए और कितने वक्त के अंदर ये किताब मार्केट में आ गई थी? ये जब कोरोना का दूसरा फेज शुरू हो रहा था तो तब पब्लिशर साहब से बात हुई थी, तो क्योंकि मैं हमेशा ऑन डिमांड किताब लिखता हूँ, मैंने कभी अपनी मर्जी से किताब नहीं लिखी, क्योंकि हर पब्लिशर को पता होता है कि उसकी मार्केट कैसी है, वो किस तरह की मार्केट में, और इस टाइम रीडर्स की जरूरत क्या है, किस तरह का टॉपिक जो है मार्केट में लोग पढ़ना पसंद करेंगे। तो मेरे ख्याल अगर हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हर आदमी एक ही बात करता है, पैसे की। तो इसलिए हमने ये टॉपिक लिया, तो मुझे तकरीबन 3-3.5 महीने लगे ये किताब कंप्लीट करने। एक और बड़ा सवाल जो मैं अभी आपसे करने जा रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन की दुनिया है जी, हर चीज डिजिटल मोड पे अवेलेबल है, ऐसे के अंदर जो हमारे जो रीडर हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के हों, मैगजीन के हों या किताबों के, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ते जा रहे हैं जी। तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग रहता है एक राइटर के लिए किताब लिखना, या एक लेखक के लिए कोई मैगजीन लिखना, या एक पत्रकार के लिए खबर लिखना, तो उस तरह के किस तरह के चैलेंजेस आप मानते हैं? डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे पाठक जो हैं इन किताबों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं कई बार पहले भी बात करता हूं कि अगर हमें ई बुक बनानी है, ऑडियो बुक बनानी है, या किसी भी और फॉर्म में हमें ये कंटेंट प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले किताब तो जरूरी है। किताब होगी, बीज होगा तो पेड़ पौधे बनेंगे और उसके बाद ही उसके फल मिलेंगे। ठीक है कि फल वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्रीम वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन असली जो पौधा का बीज है वो ये किताब ही है, और इसी से ही सारा ज्ञान निकल के बाहर आता है, इसी का वो लोग यूज करके, ठीक है कि वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं जब हम सोच भी नहीं सकते। तो जॉनी जी, कोई संदेश हमारे पाठकों के, हमारे रीडर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? देखो, अपना एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर रखो, जब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है, तब तक हम अपनी जिंदगी का गोल नहीं सेट कर पाएंगे। एक बार अगर हम अपना गोल सेट कर लेते हैं कि हमें कितना पैसा कमाना है और कब तक कमाना है, क्योंकि हम कहते हैं कि, अब मेरे से कई लोगों की बात होती है, साहब जी बहुत तंगी है पैसे की, पैसा चाहिए, कितना चाहिए नहीं पता, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए नहीं पता। तो माइंड में ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए
कि मुझे परिवार की जरूरतें, परिवार की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपना लाइफ को अच्छे से मैनेज करने के लिए मुझे मिनिमम कितना है। तो एक डेडलाइन भी चाहिए और एक फिक्स अमाउंट भी चाहिए कि मुझे 1 लाख, मुझे 2 लाख रुपया हर महीने चाहिए। एक बार आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, बिलीव करना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड आपकी बात को सुनना शुरू कर देता है, उसके बाद जितना चाहोगे आप उतना पैसा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, ये जो किताब है ये द बुक लाइन पब्लिशर ने पब्लिश की है, अमेजोन पे अवेलेबल है और 375 रुपया इसका MRP है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्हें पढ़ने में रुचि है, जिन्हें कुछ चीज सीखनी है, पैसा कमाने की, जिसको आज के दौर में पैसा कमाना है, उसके टिप्स हैं इसके अंदर, 17 चैप्टर्स हैं और ये बेहतरीन बुक्स हैं। हालांकि भी मैंने पढ़ी नहीं है इसको, भी अभी आज से शुरुआत हो जाएगी इसकी, लेकिन आपसे हम डिस्कस करते रहते हैं हमेशा। हाँ, जरूर, हमने जब लिख रहा था मैं तब भी बात होती रहती थी, चैप्टर्स के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, सीखने मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।